हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल मेकअप। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लगा रही हूँ फेस प्राइमर, जो कि है NYBA का। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस प्राइमर है और इसको हम टैप टैप करके पूरे फेस पर लगा लेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस प्राइमर है, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। आपका फाउंडेशन या BB CC क्रीम जो भी लगाओगे उसको स्मूथ रखेगा। ये मैंने लगा लिया है। सेकंड हम लगाएंगे अपना कंसीलर, वो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओलिविया की पेन की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, पेन स्टिक सॉरी। इसको अंडर आई में, पूरे आई में ऊपर नीचे लगा लूँगी, जिससे मेरे डार्क सर्कल भी छिप जाएं और मेरा बाद में आई शेडो भी उभरा हुआ लगे। अब मैं इसको माउथ के आसपास लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा ब्लैक ब्लैक था। ऐसे मैं चिक्स पर लगाऊंगी और फोरहेड पर, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मेरे थोड़ा फेस में काला काला है, इसे इक्वल बनाने के लिए मैं इसको लगा लूँगी। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। डैप डैप करते हुए आप इसको ब्लेंड करेंगे। और अब मैं लूँगी ये 9 to 5 लैक्मे की CC क्रीम। आप चाहें तो यहाँ पे फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस में भी लगा लेंगे और नेक पर भी लगाएंगे और अपने ईयर्स पर भी। अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से या आप हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा फेस केकी ना लगे। इसको कर लिया है। अब मैं लूँगी कंसीलर पैलेट, जिससे मैं कॉन्टोर वाला कलर यूज़ करूँगी, डार्क ब्राउन। और अपनी CC क्रीम और कॉन्टोर को मैं बाद में एक साथ ही सेट कर लूँगी लूज उससे कॉम्पैक्ट से। मैं कंटूरिंग कर रही हूँ फेस की ताकि मेरा फेस थोड़ा पतला लगे। और जब भी आप ब्राउन शेड लगाएं कंटूर का, उसको ऊपर की साइड आप ब्लेंड करें ताकि गाल उभरे उभरे नजर आए। अब मैं नोज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, वरना फिंगर की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरी नोज कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको स्टेक्यूअर के कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी। आप चाहे तो बनाना पाउडर भी ले सकते हैं और चाहे तो कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। मैंने सेट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ आई शेडो पैलेट। आप अपनी मर्जी का कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हैं। इससे मैं डार्क ग्रीन कलर लगा रही हूँ पहले, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें आउट कॉर्नर से अंदर की साइड लेकर आए। ये जैसे मैं कर रही हूँ
अपनी क्रीज बना ले आएगी। अब मैं थोड़ा इसमें येलो शेड मिक्स कर लूँगी ताकि मेरी ड्रेस से मैच हो जाए। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना आई शेडो चूज़ करें। अब मैं वाइट शेड लगा रही हूँ सिल्वर कलर आईब्रो के पास ताकि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगे और मेरी आईब्रो शार्प नज़र आए। अब मैं इस आईलेट पे लगा लूँगी कंसीलर। अपनी आईबॉल के हिसाब से आप इसको गोल गोल लगा लें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का। इसको वैसे हम लगाने से पहले इसको पाउडर से सेट कर लेंगे। मैं आई शेडो वाइट कलर के पाउडर से ही अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम सिमरी वेट एंड वाइट का गोल्डन सिमरी आई शेडो लगाएंगे इसके ऊपर। ये मैं लगा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर म्यूज़िक फ्लावर का। आप चाहे तो कोई भी आईलाइनर अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड पसंद है तो वो लगा सकते हैं, स्केच आईलाइनर पसंद है तो वो लगा सकते हैं। मैं ऊपर की साइड आईलाइनर मोटा लगाऊंगी, आपको अगर पतला अच्छा लगता है तो आप पतला लगा सकते हैं। क्योंकि मैं नीचे काजल नहीं यूज़ करूँगी इसलिए मैं ऊपर मोटा आईलाइनर लगा रही हूँ ताकि मेरी आंखें थोड़ी गहरी गहरी और बड़ी बड़ी दिखाई दें। मैं नीचे ब्लैक की जगह वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको सेट करने के लिए हम ग्रीन कलर का आई शेडो नीचे भी लगा लेंगे। इससे हमारी काजल भी सेट रहेगी और हमारा आई मेकअप भी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं मस्कारा लैक्मे का। आप अपनी पसंद का कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप ऊपर पलकों में और नीचे की साइड दोनों साइड लगा लेंगे, इससे आपकी आई लैशेस बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। मैं यूज़ करने जा रही हूँ, अब मैं उसी ब्रश से अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी जिससे हमने जेल आईलाइनर लगाया था। आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आईब्रो पाउडर। अब इसको सेट करने के लिए मैं इस पुली की मदद से इसको सेट कर लूँगी ताकि ये थोड़ी नेचुरली दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको सेट कर लिया है। इसे मैं फिंगर से सेट कर रही हूँ कि थोड़े मुझे डार्क लग रहा था इसलिए। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लशर जो कि है कलर एसेंस का। आप पहले जो भी चीज़ लगाएं थोड़ी लाइट लाइट लगाएं, उसके बाद आप डार्क कर सकते हैं करना चाहें तो। थोड़ा स्माइल करते हुए आप अपना ब्लशर लगाएंगे, ऊपर की साइड को लेके जाएंगे। अब मैं यूज़ करूँगी
हाइलाइटर, फेस हाइलाइटर जो कि है मिस रोज़ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट लाइट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको इनर कॉर्नर में भी लगा लूँगी ताकि मेरी आंखें और सुंदर दिखाई दें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक, लिप बाम मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। यह है हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक जो मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फॉर्मूला है इसका, अच्छी लिपस्टिक है। अब मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको मेकअप फिक्सर से फिक्स कर लूँगी ताकि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। यहाँ पे हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ करने जा रही हूँ। दो तीन स्प्रे आप अपने फेस में कर लेंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे भी सूखने दे सकते हैं, वरना एक ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके एग्जॉर्ब कर लें अपनी स्किन में। अब मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक के साथ, अपने ईयर रिंग पहन के और ज्वेलरी पहन के। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर मेरा फाइनल लुक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें। थैंक यू वेरी मच।